नमस्कार, मैं हूं आनंद राज। नया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। जज का काम इंसाफ देना होता है। न्यायमूर्ति जे आर मिथा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आयोजित अपने वर्चुअल फेयरवेल इवेंट्स में कहा कि मैं संविधान के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की पूरी संतुष्टि के साथ आज पद छोड़ रहा हूं, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति जे आर मिथा ने कहा कि 11 अप्रैल 2008 से अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 6 जुलाई 2011 से अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जूही चावला और अन्य के आचरण पर हैरानी व्यक्त किया, जिन्होंने देश में 5G तकनीकी के रोल आउट के खिलाफ मुकदमे में अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने एक तरफ अपने आवेदन वापस लेने की मांग की और दूसरी ओर उनके खिलाफ लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने से इनकार कर दिया। नमस्ते। इन पिछले दिनों में इतना शोर हो गया कि मैं तो अपने आप को भी सुन नहीं पाई, और इस शोर में मुझे लगा कि एक बहुत अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शायद खो गया, और वो था वी आर नॉट अगेंस्ट 5G। वी आर नॉट अगेंस्ट 5G, इन फैक्ट वी आर वेलकमिंग ऑफ इट। आप प्लीज जरूर लेकर आइए। ऑल वी आर आस्किंग इज दैट द अथॉरिटीज दे सर्टिफाई 5G सेफ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज आप सर्टिफाई कर दीजिए, अपनी स्टडीज इस पर, रिसर्च इस पर पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दीजिए, ताकि हमारा ये जो डर है ये निकल जाए, हम सब लोग जाकर आराम से सो जाए। वी जस्ट वॉन्ट टू नो दैट इट इज सेफ फॉर चिल्ड्रेन, फॉर प्रेग्नेंट वेमेन, फॉर अनबॉर्न चिल्ड्रेन, फॉर पीपल हु आर ओल्ड, इनफर्म, फॉर फ्लोरा फौना, ये सब सही है, सेफ है, बस दैट इज ऑल वी आर आस्किंग, दैट इज ऑल वी आर आस्किंग। अदालत ने पहले याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसके बाद याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह तुच्छ मुकदमेबाजी है। पीठ अभिनेत्री द्वारा दाखिल किए गए 3 आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालती फीस की वापसी, जुर्माने से छूट और फैसले में खारिज शब्द को अस्वीकार करने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों से संबंधित जांच में पेश होने के लिए विधानसभा समिति की शांति और सद्भाव समिति द्वारा फेसबुक इंडिया के प्रबंधक निदेशक अजीत मोहन को जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि फेसबुक वीपी की चुनौती समय से पहले और अपरिपक्व थी, क्योंकि वास्तव में पेश होने के लिए कहने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधायी कार्य केवल विधानसभा के कार्यों में से एक जटिल सामाजिक समस्याओं की जाँच भी इसके दायरे में है। कैबिनेट फेरबदल के बाद किरण रिजिजू को नए केंद्रीय कानूनी और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने रविशंकर प्रसाद की जगह ली, जिन्होंने बुधवार को केंद्रीय कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। रिजिजू कैंपस लॉ ऑफ सेंटर फैकल्टी लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं और केंद्र सरकार से विधि और न्याय मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। पीएम मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने पास रखा है। वहीं अमित शाह को गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।